नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही बूमिंग बिजनेस है और ये बिजनेस आप बहुत कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। इसका जो स्केल है वो बहुत बड़ा है, करोड़ों रुपए का। आज इस वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे बिजनेस पर्सन से जो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, जिन्होंने सिर्फ 150 रुपए में कोचिंग क्लास की शुरुआत की और आज उनका टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए। और इनकी कहानी बड़ी खास है, वो इसलिए क्योंकि एक दौर था जब इन्होंने सुसाइड करने का एफर्ट किया, अटेम्प्ट किया, लेकिन इनकी जिंदगी बच गई और उसके बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बस वहीं से कहानी बदल गई, सब कुछ पलट गया और आज वो हजारों बच्चों के आइडियल हैं और आज हजारों बच्चे उनको विकास सर के नाम से जानते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं कानपुर के कोचिंग इंडस्ट्री के एक बड़े नाम विकास पाठक से। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। दोस्तों, जब ऐसा लगे कि जिंदगी खत्म हो गई है और कोई इंसान सुसाइड करने के पॉइंट पर पहुंच जाए, उसके बाद क्या? उसके बाद अगर कामयाबी मिले, एक नया रास्ता मिले, तो ऐसी कहानी है वो आपके सामने हम लेकर आए हैं आज कानपुर में। फ्रीडम यात्रा के कानपुर पड़ाव है और आज आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जो दूसरों की सक्सेस स्टोरी है उसमें मददगार बन रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं विकास पाठक की, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं। तो उनसे हम बात करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि कैसे उनकी कहानी है वो कोचिंग सेंटर के रूप में शुरू हुई और वो कौन सा वक्त था जब उन्होंने सुसाइड का एफर्ट किया, लेकिन आज वो हजारों स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर है और लोग उनको विकास सर के नाम से जानते हैं। और आज उनका जो कोचिंग सेंटर है उसकी 10 फ्रेंचाइजी चल रही है। तो उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि ये कैसी सक्सेस स्टोरी है और अगर आप भी कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से, अगर कोई लाइसेंस या परमिशंस चाहिए तो वो कौन सी होती है, और इसमें आपका जो एक बिजनेस है वो कैसे सेटअप कर सकते हो, इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये तमाम चीज़ें आज जानने वाले हैं विकास पाठक से। तो चलिए आपको मिलवाते हैं विकास पाठक जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका क्लास तो बहुत ज़बरदस्त है। जी जी जी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स क्या सर, बस इतना है कि बस बच्चों के साथ लगना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे साथ लगे हुए हैं। तो आज आपके बच्चों का प्यार है जो लगा हुआ है। आज आपके कोचिंग क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले हम आपसे वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सा वक्त था, कौन सी बात थी जिसने आपको इतना निराश कर दिया, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है आपके कोचिंग की और आपकी भी। वो रियली बड़ा, मतलब उसका मैं बहुत कम जगह जिक्र किया हूँ, बहुत कम लोगों को पता भी है वो बात। जी, मैं बताऊँ आपको, जब मैंने MCA पास आउट हुआ मैं 2012 में जी, तो 2012 से लेकर 2013 तक मैं दर दर भटका हूँ जी, मतलब बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मतलब ऑलमोस्ट लगभग 400 से 500 कंपनियों में भटका हूँ मैं जॉब के लिए, कहीं जॉब नहीं मिला जी। तो अल्टीमेटली मतलब आप समझते हैं, जब जॉब नहीं लगती है तो रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त, सब लोग एकदम बिल्कुल एकदम तीर ताने खड़े रहते हैं तानों के, और मतलब हर तरीके से आपको मतलब डिमोटिवेट करने के लिए। तो एक दिन अचानक से मुझे लगा कि मैं बेकार हो गया हूँ, मुझे मेरा अस्तित्व ही बेकार है जी। तो दिसंबर 2013 में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया जी, और वो सुसाइड अटेम्प्ट ऐसा था कि मैं बस केवल और केवल फ्रस्ट्रेट था अपनी लाइफ से जी, कि मैं कुछ कर नहीं पाया जी। तो मेरा एक मित्र है सुप्रीम यादव, उसने मुझे बचाया उस दिन जी, और वो बंदा मुझे वहां से उठा के लेके आया और उसने मुझे बोला कि यार विकास, तुम में इतना पावर है, तुम कर सकते हो, तुम सुसाइड क्यों कर रहे हो जी। तो मैंने ऐसे ही, फिर जब मैं अगले दिन सुबह जागा तो मुझे रियली मुझे फील हुआ कि अब मैं क्या कर बैठा हूँ जी। और वो दिन अंतिम दिन था, उस दिन से लेके आज तक मैंने फिर ये सोचा कि अब मुझे मेहनत करना है और जीतोड़ मेहनत करना है जी। और मेहनत करता ही चला गया और एक एक बच्चे को जोड़ना शुरू किया। स्टार्टिंग में क्या था, दो बच्चे पढ़ने आए, ठीक है ना, आप एक बच्चा थोड़ा स्लो है, एक ठीक है, तो उन्हें लगता था कि सर हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और हम मतलब पता नहीं हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं घर घर जा जाके पढ़ाता था जी, हॉस्टल गया, किसी लड़के के हॉस्टल पहुंच गया, मैंने कहा तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा जी। तो आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने लगभग पहले 1.5 साल कोचिंग का, 2013 से लेके 2015 का मिड, 1.5 साल में हॉस्टल जाके बच्चों को पढ़ाता था जी। मैंने कहा भाई तुम मुझसे पढ़ो यार, चीजें सीखो,
तो उसमें सबसे पहला एक बंदा था नवीन जी, उस बंदे का जब सिलेक्शन हुआ तो उसके सराउंडिंग में जो लोग थे वो लोग मेरे पास आना शुरू हुआ जी। और फिर उन लोगों ने समझा कि सर मतलब मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मतलब मैं उनके साथ डिवोशन के साथ लगा, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। आज भी आप मतलब स्टूडेंट से पूछ के मैं पैसे को कभी तवज्जो ही नहीं देता जी। मुझे बस केवल इतना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट जो विश्वास लेके मेरे पास आया है मैं किसी प्रकार से उसको बस उसके लक्ष्य तक पहुंचा दूं। मुझे पता है ये सब वो दिल बैठे हुए हैं जो टूटे हुए मेरी तरह, और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह ये सुसाइड जी। तो वो जो इसलिए मैं लगा रहता हूँ। तो आपके पास एक दोस्त थे जो आपको उस दौर से बाहर लाए जी, और अभी आप आज की बात करें उस बात को तो करीब 8-9 साल हो गए जी, जी। लेकिन आज की बात करें तो आज तो आपको जानने वाले हजारों स्टूडेंट्स जी, जी। और आपके यहाँ पढ़कर बहुत सारे लोग, कोई दारोगा बन गया, कोई बहुत सारी जॉब्स उनको मिली है जी। उनकी कामयाबी में आप हिस्सेदार रहे हैं, आपका एक रोल रहा है जी। तो आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अगर इंडिया में जैसे आपके कोचिंग क्लास में है, तो वो अगर सेलेक्ट होते हैं ठीक है, अगर वो नहीं हो पाते, सिलेक्शन उनका नहीं होता, तो क्या वो आपकी तरह कोचिंग बिजनेस में आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं जी, बिल्कुल। मैंने बहुत सारे बच्चों को मतलब स्पेशली मैं आपको मैं बताना चाहूँगा जी कि कुछ बच्चे मतलब जो पुराने स्टूडेंट हैं उनमें से कई बच्चे ऐसे थे जो बहुत मेहनती थे, किसी कारणवश दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ जी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तुम पढ़ाना शुरू कर सकते हो जी, और पढ़ाने के लिए कंटेंट से लेके जो भी चीज़ें हैं वो आपको सिखाऊंगा, आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को कैसे डिलीवर करना। देखिए मैं बताऊंगा सर जी, दुनिया में सबसे कठिन काम टीचर बनना है जी। आप समझ रहे हैं, जैसे ये बच्चा बैठा है, अब इस बच्चे का माइंड कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, उसका कुछ और है जी। हर बच्चे के माइंड में आपको एक ही बात बिठानी है जी। तो वो बात बिठाने के लिए आपको कई तरीके आने चाहिए कि आप किसी चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन कैसा होना चाहिए, और वो विजिबिलिटी इनके माइंड में सेट हो जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो इसके लिए इन्हें पिक्चराइजेशन से सिनेरियो जनरेट करके वो जब कंटेंट डिलीवर होता है तो इनके माइंड में चीजें बैठती हैं कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है। कई सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर यही चीज मैं पहले करता था तो मैं सवाल तो लगा लेता था लेकिन कभी फीलिंग नहीं आती थी कि सर ये ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जी। तो मैंने कई बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया है पढ़ाने के लिए, और आज भी दो बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे, मैं मिलवाऊंगा आपसे। मैं उन्हें केवल पढ़ाने की ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि बेटा तुम्हें निकट भविष्य में 10 तक क्लासेस मैं तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा और तुम्हें ही चलाना है जी। तो मैं ऐसे युवाओं को जो अगर ऐसा कोई चाहता है, कोचिंग सेंटर खोलना चाहता है, तो 10 तक क्लासेस आपके लिए हमेशा खड़ी है। आपको कंटेंट चाहिए, कंटेंट कैसे डिलीवर करना है, आपको कैसे कॉन्सेप्ट को समझाना है किसी को, आप मेरे पास आइए, मैं सब समझाऊंगा। तो ये बात हुई आपका, जैसे आपने बताया कि आपके दो स्टूडेंट से शुरुआत हुई, तो हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, कोटा की जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी। सबसे पहले जो कोटा का जो सबसे पुराना कोचिंग सेंटर था, बंसल क्लासेस नाम सुना होगा, तो उसके जो फाउंडर थे वो भी एक छोटे से, उनकी जॉब चली गई थी, जेके इंडस्ट्री वहाँ पर हुआ करती थी बहुत बड़ी, तो वो शट डाउन हो गई, बंद हो गई, तो उनकी जॉब चली गई, तो उनके पास कोई काम नहीं था। उसके बाद उन्होंने एक छोटे से कमरे में कोचिंग देना शुरू किया, उससे जो कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री है जिसमें बहुत बड़ा आज हजारों करोड़ का टर्नओवर है, और उसके बाद मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में ये कल्चर डेवलप हुआ जी, जी। जो आपके कानपुर तक पहुंचा जी, है जी, जी। तो ये इंडस्ट्री हजारों करोड़ की एक कमरे से शुरुआत हुई और बनी, उसके जो फाउंडर उसका उसका श्रेय जो बंसल क्लासेस के हैं उनको देना पड़ेगा। और आज हम बात करें कोचिंग इंडस्ट्री की, सर आज के दौर में कोचिंग इंडस्ट्री है, आप अभी ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं, आपका क्लासरूम स्टडी है जी, जी। तो आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जी, जी। उस पर भी क्या आप उस पर भी आपका है क्या क्लासेस? निकट भविष्य जो है वो ऑनलाइन का ही है जी। अभी क्या हुआ, पिछले 1-1.5 महीने पहले मैंने कायाकल्प अपना चैनल बनाया हुआ है जी, और केवल ये उन बच्चों के लिए है जो मुझसे बहुत दूर है जी, और नहीं उनके पास इतना सामर्थ्य है, आर्थिक रूप से इतना स्ट्रांग नहीं है, उन बच्चों के लिए केवल और केवल। और बहुत सारे टीचर्स ऐसा कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से, मैं थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन मैंने भी ये सोचा कि मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और जो बच्चे मेरी पहुंच से बहुत दूर हैं उन तक मुझे पहुंचना चाहिए। और देखिए यूट्यूब क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है, वो भी आके वहां से नॉलेज ले सकता है कोई भी बंदा, मतलब बिना कोचिंग पढ़े वहां से सीख सकता है। और सर जी मेरा भी नेक्स्ट प्लान जो क्या है, मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी चीज से जी। देखिए मैं अभी बच्चों से पैसे ले रहा हूँ, मैं इसलिए सेटिस्फाई नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ, वो एक गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ पैसे ले रहा हूँ वो सेटिस्फाई, लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन उस दिन पूरा होगा जी जिस दिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े होकर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, और उस दिन मैं अनाउंस करूंगा कि मुझे आज के बाद से कोई भी पैसा किसी से नहीं चाहिए जी, सारी की सारी शिक्षा चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो मुझे फ्री पढ़ाना।
थोड़ा तो खुद के लिए आप रखिएगा। हाँ, वो हो जाएगा वो बच्चों से ही। अगर एक एक रुपए भी लूंगा ना जी तो भी हो जाएगा। एक रुपए में शिक्षा दूंगा, एक रुपए में पूरा कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स जी। ये मेरा सपना है ये जी। ये बहुत अच्छा सपना आपका। और आप तो जिंदगी के उस दौर से गुजरे जहाँ पर सरस्वती आपके पास थी, नॉलेज थी जी, जी। लेकिन लक्ष्मी जी का साथ नहीं था तो बहुत मुश्किल हो गया। तो जो हमारे दर्शक उनको कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी का साथ जब तक ना हो तब तक सरस्वती का उस तरह का वैल्यू शायद इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। तो विकास जी से हम बात कर रहे हैं, सबसे बात बड़ी बात कि आप जब कोचिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर आप बनाना चाहते हैं, तो क्या कोई इसके लिए परमिशन चाहिए होती है, कितना? हाँ, इसका एक प्रोटोकॉल है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। कोई भी अगर स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन अगर कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहता है जी, तो सबसे पहले तो आपको शिक्षा अधिकारी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ से एक NOC लेनी पड़ेगी जी कि आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको फायर से और अन्य चीज़ों के जो जिस जगह पे आप नगर निगम में हैं वहाँ के कुछ परमिशन लेने पड़ते हैं। फिर दूसरी बात, रजिस्टर्ड आपको कराना पड़ेगा GST जी। तो ये चीज़ें, चार चीज़ें मेन है जी, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप चीज़ें रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना स्पेस चाहिए होता है अगर कोई शुरुआत करता है? स्पेस 10x10 के रूम से भी शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने 10x10 के रूम से शुरू किया था जी, और आज ये आपके सामने है जो भी है। और इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? इन्वेस्टमेंट मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरे पास 150 रुपए थे जी, और 150 रुपए में मैं आपको पता है वो चार्ट वाला नहीं होता जो पेपर जी ऐसे चार्ट लगा लेते हैं जी, खरीद के लाया था उसे से जी। तो 150 रुपए से आपका इन्वेस्टमेंट था, उसे शुरू हुआ। और आज आपका वैल्यूएशन कितना मानते हैं? मेरा वैल्यूएशन का मतलब मैं आपको ये बता दूं कि जी, साल का टर्नओवर 1 crore के आसपास, 1 crore तक। ये है कोचिंग इंडस्ट्री की पावर आज के दौर में। ये कानपुर में है, कोटा में तो सोचिए कितनी बड़ी होगी। तो ये एक बहुत जबरदस्त। हाँ सर, आप कुछ बता रहे थे वो जो आज छोटे चार्ट के बाद कुछ बीच में। हाँ, तो चार्ट में क्या है, चार्ट लगा के रखते थे ना, तो दो बच्चे जो पढ़ने आते थे तो मुझसे ये कहते थे सर बाकी कोचिंगों में तो सर मतलब अच्छा व्यवस्था है बैठने का ये। मैंने कहा यार तुम्हें अच्छा बैठना है या तुम्हें सिलेक्शन पाना जी। तो उसमें से नवीन भी था, वो CSS में पहला बच्चा था जो CSS क्वालिफाई किया था, तो मैं उसको ऐसे ही पढ़ाया करता था, जमीन पे बिठाते थे हम लोग, मेरे पास बेंच भी नहीं थी जी। तो नवीन ही पहली बेंच जो रखी हुई है, तो सच टूट गई है मेरी बेंच, लेकिन हमने उसको संभाल के रखा, वो पहली बेंच नवीन ही खरीद के लाया था जी, उनका जॉब लगने के बाद। हाँ, वही खरीद लाया। तो ये कोचिंग आप चला रहे हैं, इसमें जिस तरह की बात, जिस तरह की फीलिंग्स आपकी हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरह आप चाहते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप 1 रुपए में उनको एजुकेशन दे, तो आज आपका जो कोचिंग सेंटर चल रहा है उसमें क्या आप कुछ, जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो शहर में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी कुछ करते हैं? अब इसके लिए मैं आपको क्या बताऊँ, बच्चे ही बता सकते हैं जी। कोई बच्चा इस क्लास में ऐसा है कि जो जिससे जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है इस क्लास में बैठा हो, कोई भी जिसे छूट मिली हो जी जी, ये कुछ बच्चे हैं जो जिनको आप जी, आप थोड़ा खड़े हैं जी, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, कितने वक्त से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं मई से आ रही हूँ। मई से आ रहे हैं। सर, तो कोचिंग कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है। नाम क्या आपका? अनुराधा पांडे जी। और आपका नाम क्या? सर सुलेखा पाल। सुलेखा पाल, तो आप कितने टाइम से यहाँ आ रहे हैं? सर अगस्त में आए थे सर। तो आपको स्कॉलरशिप मिली है इस कोचिंग की तरफ से? इसके लिए मैंने ये बोला है भाई साहब कि ये बच्ची जब तक पढ़ेगी ना इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा जी। इस बच्ची का मैंने इसको रिटर्न में दिया हुआ साइन करके, तो ये जब तक ये पढ़ेगी, जब तक ये कुछ बन नहीं जाती तब तक का सारा खर्चा मेरा जी। जी, तो ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है कि अगर आप बिजनेस करते हैं उसमें एक जो सामाजिक दायित्व है वो भी निभाते हैं, तो आपका बिजनेस का एक मॉडल है वो बहुत परफेक्ट बन जाता है। जो CSR चीज को हम कहते हैं कि जो हर बड़ी कंपनी को करना होता है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि शिक्षा जो है सीरियसली पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पित होकर अध्यापक को, अपने जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी मेंटर्स हैं, उन्हें पूरा दम लगाना चाहिए बच्चों पे। बच्चे नासमझ होते हैं जी, बच्चे मतलब जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं चीजों से, तो बच्चों के संस्कारों में बदलाव लाना केवल टीचर के बस की बात जी। देखिए घर पे बच्चा रहता जरूर है, लेकिन घर में वो सारी चीजें हमेशा, माता पिता हमेशा सामने रहते हैं जी। तो माता पिता जो हमेशा सामने रहते हैं तो कोई चीज बहुत खास हो वो हर दिन तुम्हारे साथ रहे तो वो आम हो जाती है जी। टीचर ही एक ऐसा पर्सन जिसे आप 1 घंटे या 2 घंटे के लिए मिलते हैं हर दिन, वो आपके लिए आम नहीं हो पाएगा जी। वो हर दिन आपको नई ऊर्जा के साथ मिलेगा,
और नई नई बातें बताएगा, इससे बच्चा प्रभावित होता है जी। सीरियसली मैंने सर बहुत बच्चों में परिवर्तन देखा है, बहुत बच्चों में परिवर्तन देखा है, ऐसे बच्चों में परिवर्तन देखा है। मेरा एक स्टूडेंट ब्रह्मप्रताप जी, मैं बताऊं वो सेकंड बैच का स्टूडेंट है सर, वो ऐसे घूमता फिरता था, लड़ाई लड़ाई करता था। मैं उससे मिला एक दिन, मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, अच्छे काम कर सकते हो तुम क्या। तो वो मेरे पास जब पढ़ने आया तो आज वो ऐसी स्थिति में, अब अपना एक तो खुद का यूट्यूब चैनल बना रखा है उसने जी, और करेंट टाइम में सीटेट और टीटी का जो एग्जाम था वो क्वालिफाई करके ऑलमोस्ट टीचिंग जॉब लग जाएगा उसका जी। तो मैं ये देखता हूँ कि ऐसे बच्चों को भी मतलब निकाला जा सकता है वहां से जी। अभी कल की ही बात बता रहा हूँ मैं, कल का एक ज्वलंत उदाहरण जी। एक बच्चे की एज 18 ईयर है केवल जी, तो वो कुछ ऐसे कारणों में फंस गया है, तो वो मुझे आके मिला कि सर मैं गलती कर गया हूँ, सर आप मुझे बचा सकते हैं जी। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम, जिसको मैंने प्रॉब्लम सुना तो उसकी जो सिनेरियो थी सर बहुत गंभीर है जी। तो मैंने उसको कुछ सजेशंस बताए हैं, मैंने कहा तुम ऐसा ऐसा करना शुरू करो, उसका मोबाइल मैंने रख लिया अपने जी, और मैंने कहा तुम ऐसा करना शुरू करो निश्चित तौर पर 2 से 3 महीने में तुम्हें सुधार हो जाएगा जी। तो मैं इसलिए अपने आप को भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चे और पेरेंट्स मुझे इस लायक समझते हैं कि वो अपनी चीजों पे अपने जो भी कार्य करने की शैली है अपने लक्ष्य में आपको चुनते हैं, मुझे मुझे उत्तरदायित्व भैया मेरा साथ दे, अपना लक्ष्य वो आपके थ्रू पाना जी, चाहते हैं जी, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है, ट्रस्ट का मसला है। तो जब कोई कोचिंग नया शुरू करे, आजकल कोचिंग बहुत है, आप तो आपका बहुत बड़ा शहर है कानपुर, आप देखते हैं कि हर गली में आपका जो जिस इलाके में आपका है, इसका नाम क्या सर, ये काका देवला, काका देवला, तो इसमें हजारों मतलब पोस्टर लगे हुए हैं, बहुत सैकड़ों के और बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारी कोचिंग, तो ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल में अपनी कोचिंग की ब्रांडिंग कैसे करे कोई कि मेरा कोचिंग बहुत स्पेशल है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। सर मैं बताऊँ आपको, मैंने आज तक यहाँ तक यहाँ पे जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं मैंने किसी से कंपटीशन नहीं किया जी, नहीं किया जी, मेरी खुद से लड़ाई है जी, और जिस दिन मैं अपने आप को हरा दिया तो उसी दिन मैं जीतूंगा जी, नहीं तो मैं हारा हुआ ही हूँ। मुझे खुद की लड़ाई तो आपकी शुरू से ही रही है। नहीं मैं खुद से ही लड़ता हूँ, खुद से लड़ूंगा तो अपने आप जो कंपटीटर्स होंगे ना वो सब पीछे छूट जाएंगे जी। मैं जो चाहता हूँ ना मेरा, और मैं ये सबको बोल रहा हूँ, मैं जो व्यक्ति अपने आप को हरा दिया ना उसका कोई कंपटीटर नहीं है जी, निश्चित तौर पर उसे कोई हरा ही नहीं सकता, बस केवल अपने आप को हराने की कोशिश करिए, जीवन में हमेशा सफलता ही मिलती है। तो निश्चित, तो ये जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे यूट्यूब हो फेसबुक हो, क्या ये भी आपका एक माध्यम बन सकते हैं कि आपका जो, बिल्कुल माध्यम बन सकते हैं, आप तो ऐसे अधिकारी पर बैठे जी, आज आप तो ऐसे गुरु हैं कि बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन में अपना फ्यूचर देखते हैं एक बिजनेस के तौर पर, एक करियर के तौर जी जी, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कैसे वो ग्रो कर सकते हैं? देखिए जो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा जी, लेकिन अभी इंडिया में 2-3 बहुत बड़ी कंपनी है जी, वो केवल बिजनेस के पर्पज से है जी, और वो खत्म, उनका स्टार्टअप बहुत तगड़ा था, आपने भी नाम सुना होगा जी, जी बहुत बड़ा नाम था, और आज क्या हो गया है, धड़ाम हो गया, क्यों, कारण क्या, वो बिजनेस कर रहे थे जी, बिजनेस शिक्षा में चलता ही नहीं है जी, और जो बिजनेस कर रहा है वो सक्सेस नहीं हो सकता जी, ये निश्चित है जी, यहाँ बिजनेस नहीं, पहले शिक्षा, पैसा बाद में अपने आप आता रहेगा जी, आप शिक्षा की प्रायोरिटी रखिए, शिक्षित कर दीजिए लोगों को, अपने मुकाम पे पहुंचाने में फोकस करिए, पैसा अपने आप आता रहेगा जी, और अगर आप पैसे को पकड़ेंगे तो निश्चित तौर पे फिनिश हो जाएंगे जी। और बहुत बड़ी कंपनियां थी, बहुत बड़ा नाम था, बहुत मतलब हजारों करोड़ों में उनका टर्नओवर था, आज खराब हो गया जी, केवल फेल किस लिए, कि उन्होंने सही तरीके से शिक्षा को शिक्षा नहीं समझा, केवल इसलिए जी। तो ये कोचिंग का इनका आपका एक्सपीरियंस तो करीब 10 साल, 10 साल मुझे 22 दिसंबर को 10 साल पूरे हुए हैं, 10 साल इनका एक्सपीरियंस है, एक दशक का एक्सपीरियंस, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब आप नई शुरुआत करेंगे, बच्चों को एजुकेट करना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे जो प्राइम फोकस आपका एजुकेशन होना चाहिए जी, सबसे पहला, यही सबसे बड़ी मार्केटिंग है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, सबसे बड़ा फंडा यही, सबसे बड़ी मार्केटिंग ये है कि जब आप बोर्ड पे खड़े हों तो मतलब वहाँ पे मचा के रखें। बहुत सारे लोग हैं सर, जैसे आप, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, उन लोगों के पास पैसे नहीं होते, पैसे कहाँ से लाएं? मैंने कहा ना पैसे, कोचिंग शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं, जज्बे की जरूरत है, जज्बे की, जज्बे का। तो मेरे साथ में जो लोग थे, जो बच्चों ने स्टार्ट किया, जैसे कल्याणपुर में एक कोचिंग और चल रही है, यही पास में बगल में 4 से 5 किलोमीटर, तो मैं वहां भी पढ़ाने जाता था पहले, लेकिन दिसंबर 2016 में मेरा पैर टूट गया जी। ये दिसंबर को याद रखें, दिसंबर मेरा बहुत गंदा जाता है भाई, दिसंबर तो दिसंबर ना मतलब मेरा पैर टूट गया, तो मैं वहां पे जा नहीं पाया, तो मेरा एक स्टूडेंट था रितेंद्र यादव, मैंने उसको कोचिंग सौंप दी जी, मैंने कहा तुम चलाओ जी, तो वो चला रहा है
और बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लगभग 1000 के आसपास स्टूडेंट वो भी पढ़ा रहा है जी। तो अभी आप, अभी आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आप एजुकेट करते हैं, तो आप इस 10 तक जो आपकी कोचिंग है इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? फ्यूचर तो मैं भाई ये देख रहा हूँ कि मतलब मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर एक स्टूडेंट जी 10 तक क्लासेस से लाभान्वित हो, और कुछ नहीं चाहिए जी। मेरे कॉन्सेप्ट हर जगह पहुंचे, बस मैं इतना चाहता हूँ जी। और जो भी उसे मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन है बहुतों के लिए फोबिया है जी, तो मैं चाहता हूँ वो फोबिया 10 तक क्लासेस दूर करने के लिए काम जी। एक चीज़ और है विकास जी, कि आपका बहुत बड़ा सिटी है, आपका जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसमें आपके बहुत सारी कोचिंग्स हैं। आप किसी गांव में जाइए, वहां आपको पढ़ने के लिए ना तो पढ़ाने के लिए टीचर मिलते, स्कूल में भी नहीं होते, तो कोचिंग तो बहुत दूर की बात है। सब अर्बन एरियाज है, छोटे छोटे शहर हैं, उनके लिए क्या मॉडल हो सकता है बच्चों को एजुकेट करने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए? देखिए जो जो अभी जैसे मैं अगर मैं बात करूं कि छोटे छोटे बच्चों को प्रिपेयर करने का, जो मतलब जो 8th क्लास का नीचे का स्टैंडर्ड है, तो जो करेंट टाइम की जो शिक्षा नीति आई है, मैं एकदम सहमत हूँ उससे, बहुत जबरदस्त है, इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, यही भारत देश का भविष्य बदलेगा जी। गारंटी है इस बात की, जो नई शिक्षा नीति आई है वो 100% भारत का भविष्य बदलेगी, इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए बस। उसके बाद के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद के जो 10th क्लास के बाद के बच्चे जो हैं वो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को ग्रो करते हैं जी। तो दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो आपकी मदद कर सकता जी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात आती है, आप स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। अगर आप कोचिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तब आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर एक पूरा डिटेल में कोर्स है जो आपको सिखाएगा कि कैसे कोचिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि विकास जी ने बताया बहुत कम पैसे से, और अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत अच्छा शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा शुरू है, अच्छे रिसोर्सेज के साथ शुरू कर सकते हैं, तो उस पर पूरी डिटेल मिलेगी। तो विकास जी और कुछ आप बताना चाहें अपने बारे में, अपनी कोचिंग के बारे में? मेरे बारे में कुछ ऐसा खास है नहीं, मेरा नाम जो भी बनाया है वो बच्चों ने बनाया है जी, ठीक है ना, बच्चे ही बता सकते हैं कि मैं उनके लिए क्या करता हूँ, मुझे तो कभी महसूस ही नहीं होता मैंने कुछ किया भी है। हाँ कभी कभी ये जरूर लगता है कि जब पेरेंट्स या बच्चे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को मुझे बताते हैं जी, तो मुझे ये लगता है कि यार ये बच्चे जो प्रॉब्लम्स मुझे बता रहे हैं, क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं इसे बहन कर पाऊंगा, वो मुझे कभी कभी ना बहुत विचलित कर देता है जी, क्या मैं इस लायक हूँ, क्योंकि मेरे बात वो जो आता ना मेरे दिमाग में 2013 दिसंबर जी आता है, वो आपको अभी भी क्लिक करता है, मैं हाँ वो चीज क्लिक करती है कि यार मैं इस लायक हो गया हूँ, क्या मैं इन बच्चों की परेशानी को सॉल्व कर सकता हूँ जी, तो विचलित कर देती है मुझे जी। कि ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब ये बच्चे ये सोच रहे हो कि नहीं सर बहुत मतलब स्ट्रांग है सारी चीजों को लेके, क्या मैं उसका बहन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे कभी लगता कि मैं वहां से यहाँ तक उठ के आ सकता हूँ तो मैं बहन भी कर सकता हूँ जी, तो वो चीज मैं कभी कभी थोड़ा परेशान कर जाती है, बाकी और कुछ मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है जी, सच में वो अपने आप होता चला गया। तो विकास जी मैंने सुना कि आप बहुत देर तक पढ़ाते हैं, रोज आपका 10 से 11 घंटे क्लास चलता है, तो एक बार मैं हेयर ड्रेसर की शॉप पे गया था बाल कटवाने के लिए, तो मैंने उस जहाँ पर वो काम करने वाले लोगों से पूछा कि आप कितनी घंटे काम करते हो, तो बोले सर कि हम 10 घंटे काम करते हैं, रोज खड़े रह के काम करते हैं, तो उनके पैर दुखने लग जाते थे। मैंने पूछा कि क्या फील होता है आपको, क्या चीज होती है, तो बोले कि हमारा पैर दुखता है यार बहुत रोज खड़े रहते हैं जी। तो आपके साथ भी ऐसा है कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं सुबह 7 बजे स्टार्ट होता हूँ और लास्ट क्लास मेरा 10:30-11 बजे खत्म। तो आपका बोलने का काम मुंह दुखता है? हाँ मुंह दुखता, मेरा एक ऑपरेशन भी हो चुका है अभी गले का, ठीक है ना, मुझे मतलब ये शारीरिक रूप से मुझे परेशानी ही नहीं महसूस होती, जब मैं पढ़ाता हूँ ना मुझे पता नहीं कौन सी दुनिया में होता हूँ, मुझे सच में कभी मतलब इवन आप बच्चों से पूछिए मतलब बुखार भी होगा तो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, पेट में दर्द है तो मैं आम मुंह बना रहा हूँ लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा पैर टूटा तो मैं पैर रख के ऐसे करे तब भी पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने में आनंद आता है। तो आप मैं सच बता रहा हूँ, आप मुझे 18 घंटे बोल दिए पढ़ाने के लिए, मैं 18 घंटे पढ़ा रहा हूँ, एक बार तो मैंने आपको अपने आप को चेक करने के लिए कि मैं अच्छा कितना पढ़ा सकता हूँ, मैंने कंटिन्यू 72 घंटे बिना कुछ खाए पिए 72 घंटे पढ़ाया, 72 घंटे पढ़ाया। तो ये देखिए आप टीचर किस तरह के हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर, और इनके साथ स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, देखिए आप आपको दिख ही रहे हैं स्क्रीन पे कि कितने चमकते हुए चेहरे, आंखों में बहुत सारे सपने हैं इनके और दिल में जज्बा है, बस इनके सपने ही पूरे करने हैं मुझे, बस जो भी है वो इनका सपना है बस और कुछ। तो आप सबको तो ये तालियां बता रही होगी कितना जज्बा और कितना रिस्पेक्ट अपने गुरु के लिए टीचर के लिए है। तो
तो फ्रीडम ऐप की तरफ से आपको बहुत विशेष सर कि हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो सक्सेस हो, बहुत बहुत धन्यवाद, कोचिंग है और आगे चले और एक जो आपका एक रुपए वाला ड्रीम है वो पक्का पूरा हो। नहीं मैं ये मैं पक्का ये दिल से हमारा हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ड्रीम जरूर पूरा हो और मैं करके रहूंगा, इसको 100% करूंगा ही करूंगा। और आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें इस लायक समझा कि आपने अपनी जगह। नहीं, हमारा काम है कि जो भारत को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, आप भी भारत को बनाने में काम करें। फ्रीडम ऐप क्या है कि लाइवलीहुड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, पहला इंडिया का। उसका मकसद है कि भारत के लोग जो आर्थिक तौर पे बेहतर बने, तो आप लोगों को एक मकसद दे रहे हैं, उनको जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं, आप एजुकेट कर रहे हैं तो सक्षम बन। तो इसलिए हम आपकी सक्सेस स्टोरी है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आप हीरो हैं ना। नहीं, हीरो नहीं, रियल लाइफ जो लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। फिल्म वाले हीरो तो अलग होते हैं। कोशिश कर रहा हूं कुछ अच्छा करने की, हीरो हीरो नहीं हूं। नहीं, वो फिल्म वाले हीरो तो डायलॉग बोलते हैं ना सर। आप तो 10 घंटे मेहनत करते हैं तो इसलिए आप हीरो हो। तो ये स्टोरी इसलिए हम आपकी दर्शकों तक लेकर जाना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप भी बेटर फ्यूचर दूसरों को देकर अपने लिए एक रोजगार हासिल कर सकते हैं। कि आप भारत के अभी भी 6 लाख से ज़्यादा जो गांव हैं उनमें से मेरे ख्याल से 10% भी नहीं होंगे जहां पर कोचिंग होगा। तो कितना बड़ा स्कोप है इसमें, बहुत आप भी कर सकते हैं छोटे स्तर पे, गांव में आपके लिए रोजगार हो सकता है, बच्चों को एक गाइडेंस। नहीं, अगर ऐसा कोई पर्सन आता है मेरे पास, मैं पूरा मतलब प्रमोट करूंगा उसको, गाइडेंस करूंगा उसको, ट्रेनिंग दूंगा कि आप कैसे पढ़ा सकते हैं, हाउ टू टीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, हाउ टू टीच, मतलब हर एक बच्चे के माइंड में वो बात सेट कर देना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। देखिए, खुद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना और वो बात बच्चों के दिमाग में सेट कर देना, बहुत डिफरेंस है जी, बहुत डिफरेंस। तो ये दर्शकों को मैं विकास जी के बिहाफ पे कह रहा हूँ, अगर आप कोचिंग शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो हम आपका कॉन्टैक्ट इनसे करवाएंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपका प्लेटफॉर्म भी है दस्तक वाला, दस्तक उस पर भी आ सकते हैं और हमसे भी नंबर ले सकते हैं, तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख कर अपने बारे में बता सकते हैं। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपके बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, गुड लक आपको और आप सबको बहुत सारा, हम चाहते हैं कि आप भी कामयाब हो। तो दोस्तों, ये विकास पाठक थे हमारे साथ, जिनकी कहानी 150 रुपए से शुरू हुई और सक्सेस स्टोरी वो आज 1 करोड़ तक पहुंच गई है। तो आप भी ऐसे ही एक शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस क्लासेस की, बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपना कोचिंग के जरिए। लेकिन इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपको इसके लिए समर्पण चाहिए, नॉलेज चाहिए होगा और कुछ जो ज़रूरी है परमिशंस वो लेनी होगी। आप बहुत आसानी से कोचिंग शुरू कर सकते हैं और आपका ये जो एक गाइडेंस है वो आपको विकास जी प्रोवाइड कराएंगे, वो आप ले सकते हैं इनसे। तो दोस्तों, ये फ्रीडम यात्रा के दौरान एक सक्सेस स्टोरी है जो हमने आपको बताई है कि कैसे अगर कोई व्यक्ति हताश या निराश हो जाता है तो उसको ज़िंदगी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी उसके बाद भी बहुत है। ये विकास जी के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, फ्रीडम यात्रा के दौरान ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक चीज़ और करनी है आपको, फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर एक कोर्स है जिसमें आप पूरा कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, कोचिंग बिजनेस के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। तब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।